हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के टॉपिक से। इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें समझनी होती हैं। एक तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, और उसके बाद हमें एक चीज और निकालनी होती है, वन डेज वर्क। ठीक है, तो मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ए किसी काम को 2 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना करेगा, इस 2 को उल्टा कर दो, 1/2। ठीक है, ए किसी काम को 3 दिन में, बी किसी काम को 3 दिन में करता है तो 1 दिन में वो कितना करेगा, ऑफकोर्स 1/3 हिस्सा, तो 3 को उल्टा कर दो, यानी कि 1 को उस चीज से डिवाइड कर दो। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपसे कि सी किसी काम का 1/4 हिस्सा 1 दिन में करता है, ठीक है, तो वो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, फिर 1/4 को उल्टा कर दो। ठीक है, तो 1/1/4 कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरीके से ये दो चीजें निकालनी होती है, और जब आंसर निकालोगे तो आप वन डेज वर्क के बीच बेस पे निकालोगे। ठीक है, यानी कि ये जो चीज है ये इससे निकलती है, जो भी आपको आंसर में निकालना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, ए किसी काम को 18 डेज में कर सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज, उसके बाद हम लिखेंगे वन डेज वर्क। तो वन डेज वर्क निकालना ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ए किसी काम को 18 डेज में कर सकता है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ए का 1 दिन का काम कितना हुआ, 18 से डिवाइड कर दो 1 को, ठीक है, 1 दिन का काम हो गया 1/18। और बी के बारे में क्या बोला गया है, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए। तो देखो, ए ने 18 दिन लगाए हैं तो बी ने 9 डेज लगाए हैं, 18 का आधा होता है। ठीक है, और फिर बी का 1 दिन का काम कैसे निकालोगे आप, 9 से डिवाइड कर दो 1 को, 1/9। ठीक है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन वन डे। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि एक साथ मिलके कितने दिनों में करेंगे, वो पूछ रहे हैं कि अगर वो एक साथ मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकालना है, तो 1 दिन का काम कैसे निकालोगे, ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम, तो आंसर कैसे आएगा, 1/18 प्लस 1/9। तो अब इसका एलसीएम वगैरह ले लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18 और 1 + 2, तो 3/18। ठीक है, 3/18 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/6। तो ए और बी मिलके उस काम का 1/6 हिस्सा 1 दिन में कर लेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, और हमेशा आपको ध्यान रखना है वन डेज वर्क निकालना होता है यहाँ पे सबका। और मोस्टली क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ होता है कि ए और बी उस काम को मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो 1 दिन में उनका काम ये है तो कितने दिनों में करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे, 1/6 को उल्टा कर दो, 6 डेज। ठीक है, तो ये करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे ए ने किस काम को कितने दिनों में किया, 18 दिनों में किया, ए का 1 डे वर्क निकाल लिया मैंने, बी ने उसी काम को 9 दिन में किया तो बी का 1 डे वर्क निकाल लिया मैंने। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या बोला है कि ए और बी मिलके उस काम को 1 दिन में कितना करेंगे। ठीक है, तो 1 दिन में कितना करेंगे मतलब ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम जोड़ दो, तो मैंने यहाँ पे इनको ऐड कर दिया और मेरा आंसर आ गया 1/6। तो आंसर तो 1/6 आ गया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता कि इनको इस काम को कंप्लीट करने के लिए दोनों को मिलके कितना दिन लगेगा, तो 1/6 को अपोजिट कर दो, 6 डेज आ गया। ठीक है, तो 6 डेज तो पूछा नहीं गया, यहाँ पे इन्होंने 1/6 पूछा गया है, पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली इस इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको 1 डे वर्क निकालना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, और सारा जो आंसर निकलेगा उस 1 डे वर्क के बेस पे ही निकलेगा। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।